एक रोडी बनने के लिए इकलौता जरिया भी यही है और रुकावट भी यही है। सिलेक्टर्स रघु, राजीव एंड रणविजय। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो दिल्ली, पिछले साल ऐसे ही भीड़ में कुछ लोग खड़े हुए थे, बहुत लोग थे, उनमें से एक था सुचित रैने। आप ही किधर है? वो लोग सेलेक्ट हो गए आज इंडिया और पूरे वर्ल्ड में सब इंडियंस को उनका नाम पता है। पता नहीं इस भीड़ में वो बात है कि नहीं। हर बार दिल्ली से जब रोड़ी बनते हैं तो वो एक मिसाल बन जाते हैं। मैं भी दिल्ली से ही रोड़ी बना था। कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ है, इसीलिए रघु और हीरो मोटोकॉर्प ने डिसाइड किया कुछ चुनिंदा लोगों को ऑडिशंस में एक एडवांटेज देने का। हीरो एंट्री पास। मेरे पास कुछ मल्टीपल एंट्री पासेस हैं। इसका मतलब यह है कि जहां लोगों को सिर्फ एक ग्रुप डिस्कशन देने का मौका मिलता है, आपको 5 ग्रुप डिस्कशंस का मौका मिलेगा। मतलब आपके सेलेक्ट होने के और मॉडरेटर्स की नज़र में आने के चांसेस 5 गुना बढ़ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को जो भी मेरे बारे में या रोडीज के बारे में पूछना है मुझसे पूछ लीजिए। रघु, राजीव, एक बैड इमेज बन रखी है, तो उससे आपको कैसा लगता है? मेरे बारे में अजीब से ओपिनियंस हैं लोगों के। कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं यूथ आइकॉन हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक नंबर का, ठीक है, मगर पता नहीं तुम मानोगे या नहीं मानोगे, मेरे को दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता। सवाल जवाब सिर्फ एक जरिया था हीरो एंट्री पास के विनर सेलेक्ट करने का। हाउ यू टीच ऑन सच अ ग्रेट हाइट? यार ये सवाल मेरे से लोग पूछते हैं, बट ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मेरा स्ट्रगल जारी है मेरे हिसाब से। खुद रघु के हाथ से हीरो एंट्री पास लेकर कंटेस्टेंट्स का जोश काफी बढ़ गया। या नाउ आई गॉट दिस कार्ड, सो अब देखता हूं कौन रोकता है मुझे ऑडिशन देने से और सेलेक्ट होने से। रोकने का पता नहीं, पर फुल कंपटीशन देने के लिए यहाँ हजारों लोग आ चुके हैं। जब हम आते हैं रोडीज ऑडिशंस के लिए हर साल, काफी मॉडरेटर्स हमें हेल्प आउट करने आते हैं। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द जजेस, रघु, राजीव एंड रणविजय, उनके काफी दोस्त आते हैं टू कम एंड हेल्प अस आउट टू मॉडरेट द ग्रुप डिस्कशंस। एंड वन ऑफ दोस पीपल इज सुजन। हाय सुजन। हाय। तो सुजन, आप मुझे बताइए, हाउ इज इट दिस ईयर? आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई लव दिल्ली, सो माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिल्ली इज योर सिंपली अपनी स्ट्रेटेजी यही है, माइंड गेम, एंड जो बोलना है ट्रू, दैट्स इट। ये है एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर विद अ शो ऑफ हर ओन, गेती। हमें सबसे ज्यादा लोग यहीं से मिलते हैं, यहीं पे आते हैं सबसे ज्यादा लोग। काफी अच्छा स्टैंड लग रहा है, देखने में कंपटीशन काफी टफ होगा। व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर टुडे फ्रॉम दिल्ली? यार वो रियल लोग, रियल, वो रियल लोग, बट सबसे ज्यादा वी नीड पैशनेट पीपल, इंटरेस्टिंग पीपल। गुड लुक्स एक तरफ, इंटरेस्ट और पैशन दूसरी तरफ। कम ऑन दिल्ली, कम ऑन दिल्ली इज कमिंग, देयर ऑल आउटसाइड, दे आर वेटिंग वन बाय वन, दे विल कम इनटू योर रूम। हम में ही रमे और ये सब बाकी, पानी कम है या पानी का तो ये अंदर। ग्रुप डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, मगर जीडी तक पहुंचना ही किसी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। मैंने जितनी बार देखा है 2 साल में, तुम रोते हुए ही दिखे मेरे को। बाय मिस्टेक कुछ हो गया, उसने फॉर्म ही फाड़ दिया गुस्से में। मैंने तेरे को पहले बोला था कि सब कुछ सही सही पता, मैंने सही नहीं पता। ये बार भेज रहे हैं बंदे, गोली मारी नहीं थी मैंने अपने तो। मेरे को मैंने यहाँ पे लगी हुई थी, मुझे बाहर भगा दिया गड़े गड़े, तो क्रॉस भी नहीं लगा, तब भी मुझे कह रहे कि नहीं अपनी गाड़ी से बाहर जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे, पागल हूँ, पूरी रात वो लाइन में लगी हुई, तब भी इस बिल्डिंग में बना रहा हूँ 10 कमरे हैं, ठीक है, आप 10 कमरों में जाइए, 10 बार अपना ठीक है। इनको बोलो ये भैया को, अंकुर, मेक श्योर शी गोज टू 10 GD रूम, ओके, शी ट्राइड लास्ट ईयर आल्सो, इसके साथ पंगा हुआ था। Make sure she gives it 10 times.
अपना फॉर्म भर के आप इन्हें दीजिए, उस फॉर्म के 10 फोटोकॉपी बनाइए, 10 फोटोकॉपी इन्हें दे दीजिए। Are you okay? हाँ? क्या रोने की क्या बात है इसमें? तो भैया ये ऐसे कर दो, बाहर जाओ, मैं क्यों बाहर जाऊँ जब मैंने अभी लाइन में भी नहीं लगी, मैंने लाइन तो बाहर निकाल दिया मुझे। ऐसी हम तैसी, मैं सेट कर दूँगा उन्हें, डोंट वरी, 10 बार देंगे आप, ठीक है, चिंता मत करना, ओके? रघु भैया ने ना मेरे लिए खुले दरबार खोल दिया, मैं तो उनको ना बहुत ज्यादा दिल से सैल्यूट करती हूँ। मैं तो भैया को, मेरे लिए तो चाहे भैया एक चांस भी देते मैं तब भी बहुत खुश रहती, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ कि रघु भैया ने बिना गए बिना सोचे समझे एकदम से 10 चांस दे दिए। 5978 74 and F1206। तो मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा, ना ही मैंने अपने मुँह से सुना कि किसी को 10 चांस दे रखे हैं, और मेरे हिसाब से मेरा ना भी क्वालिफाई होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे इतना रहेगा कि हाँ चलो रघु भैया ने मेरे लिए 10 चांस दिए, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, ये नहीं बोलूंगी कि हाँ रघु भैया की सपोर्ट से जा रही हूँ इसमें। रोडीज ऑडिशन को लेकर काफी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। रघु और रणविजय ऑडिशन से एक दिन पहले रेडियो मिर्ची के स्टूडियोज गए इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं हूँ स्तुति, मेरे साथ है मनीष, और आज मिर्ची स्टूडियोज में काफी सन्नाटा है क्योंकि एक तो रघु आए हैं, उनके साथ रणविजय आए हैं, और अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है यार, पर हमने डिसाइड किया कि हम तो बोलेंगे। मनीष इतना मत बात करो, आप प्लीज चुप रहना सीखो, क्योंकि जब स्तुति बोलती है तो शायद बहुत अपने मौका निकालना पड़ता है बीच में बोलने का। आप बताइए जरा दिल्ली में क्यों आए हैं? कल रोडीज के ऑडिशंस हैं, हम लोगों को मिलना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, और उनको एक ब्यूटीफुल जर्नी पे लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको बहुत मजा आने वाले। इस बार अंतर क्या है? बिकॉज बहुत लोग ऐसा बोलते हैं यार बजाते तो वो लोग हमारी ऐसी हैं। यार मनीष ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि हम बजाते हैं? इतने बार हम लोग इतने स्वीटली इतने लोगों से मिलते हैं, वो कोई नहीं देखता, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते लोग? Do you like to be hated? I don't care. अच्छा आप दोनों दिल्ली से हैं, एजुकेशन आपकी यहाँ हुई है, तो कैसी थी कॉलेज लाइफ यहाँ पे? Were you ragged, bullied? कुछ दबा हुआ गुस्सा उस वजह से है? लोग मेरे गुस्से की वजह ढूंढ ढूंढ के थक गए। Firstly, I'm not an angry man. You're saying it like that? You want us to believe? I mean it. I'm not angry right now. मुझे गुस्सा नहीं आता. Say it one more time, I'll get really pissed off. अच्छा इतने खतरनाक tasks ढूंढते हैं आप? कब आते हैं ये ideas आपके दिमाग में? ये बहुत naturally आता है. It's like asking a musician कि आपने ये notes क्यों, उसके पीछे ये instrument क्यों डाला और इसके vocals का ये tune क्यों रखा? He can't explain it. He can feel it. He can do it. ग्रेट एनालिसिस। कल ऑडिशंस हैं, तो कई लोग ना बेचारे वो ठिठुर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, क्या पूछेंगे? जो लोग रोडीज को पहचान